हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और मैं लग गई हूँ सुबह से सफाई में। आप देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। बस एक गैस की सफाई थी जो मैंने कर दिया है। अब फ्रेश होकर मैं खाना वाना बनाऊंगी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की पूरी। आइए बनाते हैं। ये मैंने 2 कप आटा लिया है, यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, ये मेथी है, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन लिया है। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1 चम्मच घी, नहीं 2 चम्मच डाल रही हूँ। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और डो बना के इसे 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी। ये तो वो कर देंगे ना, ये मतलब अब मैं कभी वो नहीं लगा हुआ। ये मैं करने जा रही हूँ आटा को सेट, फिर मैं इसे रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए। तब तक मैं इधर आलू की सब्जी बनाऊंगी। रेसिपी ऑलमोस्ट मैंने शेयर की, आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। ये मैंने कर लिया आटा सेट, मैं इसे रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए। ये मैंने लिए हैं 3 प्याज, मैं इसे कट करने जा रही हूँ। आलू की सब्जी बनाऊंगी टमाटर डाल के। मैं बनाने जा रही हूँ लाल चाय लेमन टी। आइए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है चुटकी भर। ये हमारी टी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। ये हमारा चाय तैयार हो गया है और मैं अब इसमें डालूंगी नींबू। खास कर नींबू डालते ही इस चाय का कलर चेंज हो जाता है। होप ये अच्छा बना हो। मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्जी है। मैंने यहाँ तैयार करके रखा है 3 बॉयल आलू, 3 प्याज बड़े कट किए हैं, मिर्ची 2 डाला है, मेथी है और लहसुन है। इसमें ऐड करूँगी मैं टमाटर और मसाले। बस ये थोड़ा गर्म हो जाए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं तेज पत्ते डालती हूँ सब्जी में। प्याज डाल रही हूँ, ये हल्का ब्राउन करूंगी मैं, उसके बाद इसमें टमाटर डालूंगी। मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें टमाटर। आलू की सब्जी बना रही हूँ ना, तो ये तो कंपलसरी है। मैंने थोड़ा सा इसमें लहसुन डाला है, इसे थोड़ा क्रश कर दिया था। हल्दी, ये रहा मिर्च, थोड़ा स्पाइसी हम खाते थे, थोड़ा मिर्च ज़्यादा। ये है गरम मसाला है,
ये बहुत टेस्टी है, बहुत हार्ड है। थोड़ा सा ही तीखा करती हूँ मैं इसमें। ये रहा हमारा सब्जी मसाला, ये रहा मेरा धनिया मसाला, स्वाद अनुसार नमक, ये मैंने डाल दिया। और मैं इसे अब अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ आलू, बस ऑलमोस्ट मसाला भून गया है। इसको भी अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और लास्ट में मैं मेथी डालूँगी, तो पहले मैं आलू के साथ मिक्स कर लूँ। किसी भी सब्ज़ी में आप प्याज ज़्यादा दो ना तो बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं प्याज ज़्यादा ही डालती हूँ। ये मैंने मेथी डाल दिया, इसे अच्छे से भून लूँगी। ये हमारा भून गया और मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ये दो बॉयल आएगा, हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। मैंने इसमें बराबर प्याज, टमाटर और आलू डाले। ये बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। सब्जी चावल के साथ भी अच्छा लगता है, कचौड़ी के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो आप इसे जब कुछ समझ में ना आए तो आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। इसी मेथी को अगर आप मैदे के साथ बनाएं तो ये हमारी ट्रेडिशनल वो मछली होती है ना, जो गुजरात में यूपी में ज़्यादा खाया जाता है मछली, वो बन जाएगी अगर मैदे के साथ इसे बनाएंगे तो। लेकिन मैं इसकी पूरी बना रही हूँ। सब्जी का टेस्ट खाने के बाद पता चलेगा, वैसे कलर बहुत अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हो। जब तक ये गर्म हो जाए फिर मैं ये गोल गोल पूरी फ्राई करूँगी। तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी, तलूंगी। इसका टेस्ट भी नंबर आ रहा है कि ये हमारी पूरी तैयार हो गई है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट ये बहुत अच्छा बनता है।
रही है। अब मैं इसमें सर्व करने जा रही हूँ सब्जी। इसके साथ में डालूंगी प्याज, क्योंकि गर्मी के टाइम में प्याज या फिर सैलड नहीं हो तो ये अधूरा होता है। अब मानसी को मैं ये खिला देती हूँ। ये देखिए, मैंने सुबह सफाई की थी और ये मानसी ने कितना गंदा कर दिया, मतलब सुबह हुआ नहीं और गंदगी फैलाना स्टार्ट। ये देखिए, ये मोबाइल में घुसी हुई है मानसी। इसको सिर्फ सारे दिन मोबाइल दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बिना नाटक किए हुए नहीं तो मोबाइल ले लूंगी मैं। ठीक है, देखो टेस्टी टेस्टी है, टेस्टी है। देखो इधर, सब कम कर देंगे। सब कम कर देगा? हाँ। आ बिल्लू, एगो चुम्मू दे दो। मोबाइल छोड़ो, आ बिल्लू। आज हैप्पी बर्थडे टू यू है, आप क्या कर देंगे? इसलिए वो टाइम हो गया था है कि मैं कहना गम है। प्याज खाएगा? देखो टेस्टी है, टेस्टी है। उफ, ये मोबाइल मानसी बताओ तो कुछ बताओ, टेस्ट कैसा है खाने का? देखो मोबाइल में बताओ खाना कैसा है। खाना टेस्टी है, अच्छा लगा। ओके, हाँ बात करो। आज कौन सा डे बेटा? आज बर्थडे नहीं, आज संडे है। कौन सा डे है? संडे। संडे को हम लोग घूमू घूमू जाते हैं ना। ओके बेटा, 1-2 पढ़ के सुना दो। अच्छा पहले खा लो उसके बाद। ठीक है, प्याज चटोरी है खाना, ये सब चाहिए इसे। ए मानसी, देखो देखो पहले तुम ही खिलाओ। खा लो बेटा, खा लो, जल्दी जल्दी खा लो। घूमू जाएंगे, घूमू फू घूमू करने आई है। पिट्टी करेगी, गंगा जी नहा लेना। जल्दी खा लो, जल्दी गाड़ी आएगा। लो लो फोन करो, चलो चलो घूमू घूमू ना। खाने के मामले में कहा, घूमू जा रही है फुआ, छोड़ दीजिए नहीं खा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आप देख रहे होंगे बड़ा सा बॉक्स जो मैंने मानसी के लिए मंगवाया। ये हर टाइम बोलते रहती है मम्मा केक मम्मा केक, इसलिए मैंने ये एक ओटीजी ओवन मंगाया है, बेसिकली केक के लिए मानसी के लिए। और इसमें हम सारा कुछ बनाएंगे, रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ।
आप लोग देखेंगे मेरा प्रोडक्ट कैसा है। और ये बहुत क्विकली आया है, मैंने कल ही ऑर्डर किया था और आज ये आ गया है। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, आप लोग बताइएगा ये कैसा सामान आया है। मैंने छोटा साइज मंगाया है, 18 लीटर वाला है ये, ऑनलाइन मंगवाया है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन सामान ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में लोग कितना भी अपना कमीशन जोड़ ले, और ऑनलाइन में है आपको सस्ता सामान तो आता ही है। देखिए मैं इसके साथ ये सब आया है, तो मैं एक एक करके दिखा रही हूँ आपको। ये तो स्टैंड फंसाने के लिए होता है, लगाने के लिए ओवन में, ठीक है। ये हमारा ट्रे है जिसमें मैं मानसी के लिए ब्रेड बनाऊंगी, और इसके साथ एक छोटा सा बुक भी मिला है जिसमें सारी सेटिंग्स के बारे में बताया गया कि कैसे हम सेट करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। और कुक और क्या कहते हैं इसके हीट के बारे में भी बताया गया है, देख सकते हो आप। दो मम्मी ये मार्क्यू कंपनी का है, अभी कुछ ज्यादा ही चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने इसी कंपनी का मंगवाया है। ये रहा ट्रे, ये ग्रिल करने के लिए जब मैं मानसी के लिए पनीर टिक्का वगैरह बनाऊंगी, देख सकते हो इसमें 4 स्कोप है। ये रहा हमारा ट्रे जिसमें मैं ग्रिल करके कुछ भी बना सकती हूँ, और ये रहा हमारा ग्रिल जिसमें केक नहीं सॉरी टोस्ट वगैरह भी रख सकती हूँ, या फिर इसमें मैं पनीर के लिए कुछ आइटम्स बना सकती हूँ, उसके लिए ये है। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। जितना भी कुछ मैंने सामान ऑनलाइन मंगवाया है सारा का सारा मानसी की वजह से ही आया, नहीं तो मैं तो किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हूँ और वो हो भी जाता है। लेकिन इसकी केक खाना है इसीलिए आप इसकी फेस देख सकते हो, इसकी फेसिंग जो दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने कलर भी यही चूज किया है। इसमें ऑप्शन थे 2 कलर के, एक व्हाइट एंड एक ब्लैक, तो मैंने व्हाइट लिया। ये देखिए फ्रेंड्स इसका 18 लीटर का ये है, हम 18 लीटर तक के वेट तक का बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 ट्रे तो लग ही जाएंगे, अगर मैं कुछ और भी रोस्ट करूं तो मतलब एक बार में 3 लेयर स्टैंड कर सकती हूँ, जैसे इसमें दिया गया है 3-3 स्टैंड, ये सारा मैं लगा सकती हूँ। यहाँ पे है टेम्परेचर के लिए है, आपको 250 तक टेम्परेचर है, 100 to 250 तक ये पावर है, जब ये गर्म हो जाएगा तब ये ऑन हो जाएगा। मूड ऑन ऑफ है, यहाँ पर अभी ऑफ का बटन है, ऑन करना है ऑफ करना है। टाइमर मैं यहाँ सेट करूँगी जितना टाइमिंग के लिए हमें कुक करना है, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे करके। आइए एक बार देखती हूँ ये लगा कर इसका। वैसे मैंने भी पहली बार मंगवाया तो ज़्यादा आइडिया मुझे भी नहीं है, होप कि मैं बना पाऊँ कर पाऊँ। मैंने ये तो मंगवा लिया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे और कुछ भी मंगवाना होगा, क्योंकि जब ये हीट होगा तो फिर आई थिंक मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए ग्लव्स वगैरह और मंगवाने होंगे। मुझे ये साइज का थोड़ा, हाँ सही सही, ये देखिए एक ट्रे भी है, इसे भी मैं सेट करके देती हूँ। ये रहा मेरे ओटीजी का फाइनल लुक, मम्मी पापा अरे ये स्टार्ट करके
ये सेट करके निकालने वाला है, हीट हो जाए तो ऐसे, ठीक है। यही रहा मेरा आज का दिन, ऐसा ही रहा। और ये क्या कहते हैं, मैंने मानसी के लिए बनाया मंगवाया है, ये मैं आज तो ओपन कर लिया और मैं कल इस पर रेसिपी बनाऊंगी और आज आपसे शेयर भी करूंगी। थैंक यू। तो अब मैं करने जा रही हूँ इसकी पूजा, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम डालेंगे ये घी है। तीन दिनों में हमें पता लगाना होगा कि रुक्मणी बेगुनाह है या नहीं, अगर है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं। मैंने एक कप का घी बराबर मात्रा में लिया है, एक कप घी है और ये रहा 200 ग्राम अंडा चीनी। पहले हम इसे मिलाएंगे, उसके बाद आएगा प्रोसेस करेंगे। ये बन रहा है मानसी का बिस्किट, है ना मानसी, टेस्टी टेस्ट। इसमें मैं डालूंगी अब आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, क्योंकि हम इसे बेक कर रहे हैं इसलिए बेकिंग पाउडर कंपल्सरी है। ये हैंडमेड बिस्कुट रहेगा, हेल्दी रहेगा काफी, और ये मानसी के लिए अच्छा रहेगा, ये बाहर का बिस्कुट खाते रहते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी, और ये रहा हमारा ऑल पर्पस फ्लोर गेहूं का आटा। और मैं इसे गूथने के लिए दूध यूज कर रही हूँ, मिल्क जो मैंने उबाल कर ठंडा करके रखा था वही वाला। और अभी मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, होप अच्छा बने तो मैं और आगे से ज्यादा करके बनाऊंगी। अब मैं इसे दूध से अच्छा सा डो बना लेती हूँ, दूध डाल के। मैं बनाने जा रही हूँ अब रात का रोटी, उसके बाद मेरा सारा काम ओवर हो जाएगा, सारा काम हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट। सी ओवन तैयार है, मैंने प्रीहीट कर दिया है इसे, अब ये गर्म हो जाए तो मेरी बेकिंग शुरू हो जाए। ये मैंने बिस्किट ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, देखती हूँ कैसा बना है, आगे मैं रेसिपी तो शेयर किया ही है, उसके बाद आपको कैसा बनता है जरूर दिखाऊंगी। खाली
ये रही मूंग की दाल और रोटी, यम्मी यम्मी। ये मैं प्लेट की ड्रेसिंग कर रही हूँ घी से ही। अब मैं इस पे अपने बिस्किट सजाऊंगी। कीप वॉचिंग सपोर्टिंग, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैं बिस्किट को बेक करने के लिए रख रही हूँ। आई थिंक ये दो बार में हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारा बिस्किट मैंने अच्छे से मेल्ट किया है, बहुत सारा बनेगा। अगर ये अच्छा बना तो काफ़ी टाइम तक चलेगा। ऊपर से बंद कर दिया, बस जरूरत है नहीं। अब मैं इसे करने जा रही हूँ सेट। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ कि मेरा ये बिस्किट बहुत ही अच्छा बने, मेरा काम सक्सेसफुल हो। आप देख सकते हो कि मैंने इसे सेट कर दिया है। अब मैं इसे करूँगी बंद, टाइमर करूँगी सेट 30 मिनट के लिए। एक्चुअली 30 मिनट के लिए मैं कर रही हूँ, अगर एक बार चेक करूँगी 25 मिनट के लिए भी। क्रॉस फिंगर अच्छा बने। ओवन हो गया है ऑफ, आइए हम देखते हैं ये कैसे बन के तैयार हुआ है। ओपन करते हैं, देखने में तो बहुत सुंदर है। बन गया बिस्किट, बन गया बिस्किट। तो फ्रेंड्स यहाँ हो रही है मेरी बेकिंग समाप्त। आप टाइम देख सकते हो 10:41 हो रहे हैं, बहुत रात हो गई है। बेकिंग ख़त्म हो गया है, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए गुड नाइट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कैसा लगा ये जरूर बताइए। थैंक यू।